हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सिंध एजुकेशन के हिसाब से जो भी अपडेट होती है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे आप हमसे कनेक्टेड रहें और हम आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पर आप ये पोस्ट देख रहे हैं, ये जो पोस्ट है ये उन स्कूल्स के लिए हैं जो स्कूल सिंध में काफ़ी अरसे से काफ़ी टाइम से बंद थे। सो अब उन्हें मीन्स ओपन किया जा रहा है। तो वो जो स्कूल्स हैं वो 2040 स्कूल्स हैं जो सिंध में ओपन किए जा रहे हैं, और इन स्कूल्स में वो टीचर्स भर्ती किए जाएंगे जो न्यू टीचर्स होंगे। ओके, वो टीचर्स इन स्कूल्स में भर्ती किए जाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मीन्स स्कूल्स हैं 2040, और इसमें काफ़ी सारे मीन्स कैंडिडेट्स या टीचर्स जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे। ओके, तो ये थी जो अपडेट वो 40 वालों के लिए, क्योंकि 40 वालों के चांसेस जो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। मीन्स काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो भर्ती किए जाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं फेजेस के बारे में, जैसे कि फर्स्ट फेज़ हो गया, सेकंड फेज़ हो गया, थर्ड फेज़ हो गया, इनके बारे में हम आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फर्स्ट फेज़ था उसमें जो सीटें जा रही थी वो मेल की जा रही थी 55 पर। ओके, मीन्स जो मेल कैंडिडेट्स थे उनकी जो सीटें जा रही थी वो जा रही थी 55 तक, और जो फीमेल थी उनकी जो सीटें थी वो जा रही थी 50 पर, और जो मिनॉरिटी थी वो 50 थी। ओके, तो ये ऐसे चल रहा था फर्स्ट फेज़। उसके बाद जो सेकंड फेज़ था उसमें क्या हो रहा था कि जनरली 40 वालों को सिलेक्शन कर रहे थे। ओके, और हार्ड एरिया वालों के लिए 33 पर सिलेक्शन कर रहे थे। ऐसे ही सेकंड फेज़ चलता रहा और चल रहा है। मीन्स अब जो मीन्स सेकंड फेज़ में सिलेक्शन हो रही थी वो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, इसलिए उनमें से जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें सारे नहीं आ सकते थे, तो उसमें जितने आ सके वो मीन्स सेलेक्ट किए गए, और उसके बाद जो रह गए वो थर्ड फेज़ में। अब जो थर्ड फेज़ होगा उसमें क्या होगा कि जो वो मीन्स सेकंड फेज़ होगा, फर्स्ट वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सेकंड फेज़ कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेकंड फेज़ कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा जो भी कैंडिडेट्स रह जाएंगे वो जाएंगे वेटिंग लिस्ट में। तो फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद क्या होगा, होगा कुछ यूँ कि काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो रिटायर होंगे, और उसके बाद काफ़ी सारे टीचर्स का प्रमोशन हो गया तो काफ़ी सारे जो सीटें होंगी वो खाली हो जाएंगी, तो जो वेटिंग लिस्ट में होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे, और उसके बाद जो काफ़ी सारे सीटें बचेंगी तो दोबारा से जो टेस्ट ली जाएगी, वो जो 33 33 करते आ रहे हैं उनसे मीन्स दोबारा टेस्ट ली जाएगी, और जो पास होगा वो उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और वो भी टीचर हो जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।